वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लिशा आज मैं लेके आई बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू मेक योर चाइल्ड स्टडी प्रॉपरली, कॉन्फिडेंटली, अटेंटिवली और डिस्ट्रैक्टिवली, विदाउट डिस्ट्रैक्टिवली। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में, डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट जरूर कर देना, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लाती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि हम हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाई करवा सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्टिंग, कॉन्फिडेंटली, प्रॉपरली, अटेंटिवली। बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है, क्योंकि ये एक हर मॉम के दिमाग में ये टेंशन होती है, हर एक मॉम के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम हमारे बच्चों को कैसे प्रॉपरली पढ़ाई करवाएं। तो सबसे फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि हमें हमारे बच्चों के लिए फर्स्टली टाइम टेबल सेट करना होगा कि कब से कब तक वो पढ़ सकते हैं। तो वो टाइम टेबल अगर उनके लिए सेट है तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हम उसी टाइम पे उनको पढ़ाई करवाएं और वो बाकी टाइम, अपना जो टाइम है वो एंजॉय कर सके। तो ये एक फर्स्टली टॉपिक हो गया कि उसे टाइम टेबल सेट करके देना होगा हमें कि आप इस टाइम टेबल पे पढ़ाई करेंगे, उसके अलावा और आप कब खेलना है। स्कूल से जैसे तुरंत आता है तो तुरंत आते ही हम उसको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, होमवर्क हो गया, पढ़ाई हो गया, कुछ भी हो गया, हम उन्हें थोड़ा सा टाइम देंगे, हाफ एन आवर या वन आवर, जितना उनके पास कैपेबल टाइम है उतना हम देंगे, और उसके बाद उनके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, उसके बाद हम फिर से उसको स्टडी करवाएंगे। तो ये फर्स्टली हमें देखना है कि हमें टाइम टेबल सेट करना है उनका कि कब हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। सेकेंडली हमें देखना है कि वो डिस्ट्रैक्टिव ना हो पढ़ाई करते समय। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करते समय ही उनको भूख लगती है, उनको पानी चाहिए होता है, उनको टॉयलेट जाना होता है, उनको कुछ ना कुछ अदर चीजें चाहिए होती है, क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं करनी है, इसीलिए वो बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसीलिए हमें उससे पहले ही उनको अच्छे से खाना खिलाना है, पानी वगैरह, वॉशरूम वगैरह, हर चीज होने के बाद उसको पढ़ाई करने के लिए बोलना है, ताकि वो पढ़ाई करते समय ये फालतू के बहाने ना मारे और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ये सेकेंडली हो गया। थर्डली हमें देखना है कि अगर आपका बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अगर हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, तो विदाउट इंटरेस्ट आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कई बच्चों को एक सब्जेक्ट है मैथ्स, वो तो मॉन्स्टर सब्जेक्ट लगता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है वो सब्जेक्ट। तो ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये, तो मैथ्स अगर आपके बच्चे को नहीं पसंद है तो उसको आप फन वे पे पढ़ा सकती हैं, उसको गेम्स खिलाते हुए, कुछ ना कुछ प्ले करते हुए उसको समझा सकती हैं मैथ्स। तो आप ये एग्जांपल के तरीके, मैं आपको एक मैथ्स का एग्जांपल देके बता रही हूँ। हाँ, हो सकता है आपके बच्चे को इंग्लिश ना पसंद हो सकता है साइंस ना पसंद हो सकता है सोशल स्टडीज उनको बिल्कुल ना पसंद हो। तो मैं ये एक मैथ्स का एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ कि अगर आपके बच्चे को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हमें वो कैसे पढ़ा सकते हैं उनको। आपको उसको फन वे में पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना तो है ही, क्योंकि हर बच्चे को जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको देखना है कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसको आप फन वे में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाइए उनको। तो ये हो गया थर्ड चीज। और थर्ड पॉइंट ना, फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते समय ये ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा वहां पर अटेंटिव हो, कॉन्फिडेंटली, वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके वहां पर पढ़ रहा है, ये चीज आपको देखनी है। तो वो चीज आप कैसे पता कर सकते हैं, आप देखिए उसके दिमाग में कोई और चीज तो नहीं चल रही है, कुछ दिमाग में कहीं, मतलब उसका दिमाग कहीं और है और वो कहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और वो कहीं और, उसके दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं। तो वो आपको सबसे पहले उसके ब्रेन को एकदम, उसके दिमाग को एकदम वही अटेंटिव रखना है। तो आप फाइंड आउट कीजिएगा कि आपका बच्चा कहीं और तो अटेंटिव नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई में अटेंटिव हो। तो ये हमें फर्स्टली, फोर्थली ध्यान रखना है। नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट कि हम हमारे बच्चे को पढ़ाई करवाते समय, मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा, हाउ टू मेमोराइज थिंग्स क्विकली। तो उस चीज में, तो वो क्विकली कुछ भी चीज कैसे याद कर सकता है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। इसमें मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि आप जैसे अपने बच्चों को कुछ पढ़ाती हैं,
तो उसको आप तुरंत पूछिए, फिर थोड़ी देर बाद पूछिए, ऐसे आप डिटेल में, अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको वीडियो में आई बटन में दे दूंगी, आप चेक जरूर कर लेना, तो उससे आप अपने बच्चे को कुछ भी क्विकली याद करवा सकती हैं, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप फिफ्थ पॉइंट में ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने बच्चों को कुछ भी क्विकली कैसे याद करवा सकती है विदाउट एनी मिस्टेक, और वो उसके लिए हमेशा के लिए याद रहे, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया आपके लिए। तो आजकल ये मॉम्स बहुत ज्यादा फेस कर रही है ये प्रॉब्लम, इसीलिए मैं ये वीडियो उन मॉम्स के लिए लाई थी। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज एक लाइक हिट कर देना और फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, बाय।